ओके आज का हमारा लेक्चर है, अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने कल स्टार्ट किए थे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो उसमें हमारा ये नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमने चार नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम बनाते हैं वेरिएबल्स, ये पहले इसको इरेज कर देते हैं। चार वेरिएबल्स बनाते हैं, ए बी सी डी, और मैक्स के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये मैक्स कीवर्ड है, गालबन कीवर्ड नहीं है, ये कोई फंक्शन है। तो आप ऐसा करें, इसको मैक्स वी कर देते हैं, मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने अगला काम करना है, इसको इनपुट लेना है, एंटर वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, और हमने एक लाइन में सबको इनपुट ले लिया। ठीक, अब हम इसकी लॉजिक लगाएंगे मैक्सिमम फाइंड करने की। तो इसकी लॉजिक सिंपल सी है कि हम पहले ए का कंपैरिजन करेंगे सबके साथ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन डी। एंड ऑपरेटर आप जानते हैं ये दो कंडीशंस को कंबाइन करता है, और अगर दोनों कंडीशंस का आंसर ट्रू हो तो ये ओवरऑल भी ट्रू कर देता है उसको। लेकिन यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर दो दफा इस्तेमाल किया है, तो कंपाइलर पहले इसको वैल्यूएट करेगा, इन दोनों को। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको फिर वो इसके साथ कंबाइन करेगा। ये तीनों इकट्ठे नहीं चल रहे। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, मैक्स वी का जो वेरिएबल है ये हम कहां से उठाएंगे, ए से, कि ए इज द मैक्सिमम। ठीक है, अदरवाइज आप बताएं यहां पर क्या होना चाहिए, अब बी का कंपैरिजन करना चाहिए ना, किस किस के साथ, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन। तो अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो फिर मैक्स कहां से मिलेगा उसको, बी से। और इसी तरह से आप सी के कंडीशन में लगा दें, समझ आ रही, और इसी तरह से आप लगा दें ये ले, ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोग्राम, ये लॉजिक कंप्लीट हो गया, समझ आई लॉजिक। अब हम इसका रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। ओके, ए इज 10, बी इज 20, सी इज 40, डी इज 30, क्या आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यूज 40। समझ आ गई इसकी। अब इसमें थोड़ी हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं ये चार ब्लॉक्स हैं, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, ये तीसरा ब्लॉक है और ये चौथा ब्लॉक है। इन चारों में से एक ब्लॉक चल रहा है, सारे नहीं चल रहे। ठीक है, तो फर्ज करें ये ब्लॉक, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और नीचे वाले सारे इग्नोर, स्किप कर देगा। लेकिन अगर ये हो जाता है फॉल्स तो फिर इसको रन करेगा, नो, फिर इस पे आएगा ना। अच्छा, अब अगर इसको हो जाता है फॉल्स तो इट मींस के ए तो फिर ग्रेटर नहीं है, ए तो मैक्सिमम। तो क्या इस कंपैरिजन को हमें करना चाहिए,
बी को ए के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि अगर ए मैक्सिमम होता तो ये ट्रू हो जाता। यहां पे आने का मतलब क्या है कि ए मैक्सिमम नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी यूजलेस कंडीशन है, एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई हुई है, इसको आप यहां से खत्म कर दें, प्रोग्राम आपका कंसाइज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका ब्लॉक रन हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होती है तो फिर यहां पे आएगा ना, और यहां पे आएगा क्या मतलब है कि ना तो ए मैक्सिमम है ना बी मैक्सिमम है, इसलिए यहां पे आया ना, तो ये दोनों कंडीशन यहां पे क्या है, यूजलेस है। इसको भी यहां से खत्म करें, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो आखिरी ब्लॉक ये है, तो यहां पे आने का क्या मतलब है, ना ए मैक्सिमम है ना बी मैक्सिमम है ना सी है, तो ये सारी कंडीशन यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आखिरी ऑप्शन क्या है, डी। समझ आ गई बात? ओके, ये हो गया आपका मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। अब हम चलते हैं एक और प्रोग्राम बनाएंगे। सारी वैल्यू सेम ही दे दे, जी अगर यूजर सारी वैल्यू सेम ही दे दे हाँ, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर एल्स में ये वाला पार्ट तो चल जाएगा ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, कि अगर यूजर सारी वैल्यू सेम दे दे, या दो जो सबसे बड़ी वैल्यू वो दो दफा आ जाए, 40 दो दफा आ जाए, तो फिर क्या होगा, सिंपल से लॉजिक है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा ना, अगर सारी वैल्यू इक्वल है ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये तो चलेगा ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हम बना रहे हैं वॉवल्स का। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर वॉवल्स? ए ई आई ओ यू। हमने यूजर से एक करेक्टर वेरिएबल इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल का नाम है एक्स, ठीक है, और इसको यूजर से इनपुट ले लेंगे। हम बोलते हैं एंटर एनी लेटर, या हम कहते हैं लेटर की बजाय, लेटर का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, अल्फाबेट का भी यूज किया जा सकता है, सी इन एक्स, ये इनपुट हो गया। अब हमने चेक करना है इज इट अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सा होता है जो वॉवल नहीं होता? ओके, इसमें हम कंडीशंस लगाएंगे, इफ एक्स इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू, सिंगल कोटेशंस ए, ठीक है, यूजर कैपिटल लेटर भी प्रेस कर सकता है और स्मॉल भी कर सकता है। आगे हम लगाएंगे और, ये साथ बेशक जोड़ दें इसको इसके साथ ही। अगर यूजर ने कैपिटल ए प्रेस किया है या स्मॉल ए प्रेस किया है, दोनों सूरतों में, और इसके अलावा और कौन कौन से हैं? स्मॉल ई, इसी तरह कैपिटल आई, स्मॉल आई, इसी तरह कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, और कैपिटल यू और स्मॉल यू, ठीक है। तो इन सारी सूरतों में ये कितनी कंडीशंस हो गई टोटल? 10। इन 10 कंडीशंस में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो मैसेज क्या आना चाहिए, इट्स अ वॉवल, अदरवाइज क्या मैसेज आना चाहिए, इट्स अ कंसोनेंट। यहां पर ये जो कैलकुलेशन वाला स्टेप है और डिस्प्ले रिजल्ट वाला स्टेप है, ये इकट्ठा ही हो गया। ये लॉजिक समझ आई? ओके, एंटर एनी अल्फाबेट, हमने फॉर एग्जांपल एस एंटर कर दिया, क्या मैसेज आया,
तरह हम ई एंटर कर देते हैं, इट्स अ वॉवल। अगर हम कैपिटल ई एंटर करते हैं तो तब भी सेम मैसेज है। क्लियर? अच्छा, इसी से रेलिवेंट एक और प्रोग्राम है, आज हमने सारे प्रोग्राम्स करने हैं जी। यूजर, हाँ वो अगला प्रोग्राम वही करने लगे हम। ये कह रहे हैं अगर यूजर लेटर के अलावा कुछ और लिख दे फिर, तो फिर उसने मैसेज देना, क्या मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा अगर यूजर लेटर के अलावा कुछ और लिख दे। इट्स अ कंसोनेंट लिखा आएगा, चाहे वो डिजिट लिख दे, लेकिन इसको भी हम कवर करते हैं। ठीक है, सेव। ओके, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके लिए ये इनपुट तो सेम ही होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यूजर ने जो कैरेक्टर इनपुट दिया है वो कोई अल्फाबेट है या कोई डिजिट है या कोई स्पेशल सिंबल है। तीन तरह के होते हैं, अल्फाबेट होगा या डिजिट होगा या स्पेशल सिंबल होगा। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट टाइप का, इसका नाम हम रख लेते हैं ए कोड, या इसको हम बोल बेसिकली किस लिए होता है, आस्की कोड। ये मैंने किसके लिए बनाया, आस्की कोड के लिए। व्हाट इज आस्की कोड? आस्की कोड्स स्पेशल कोड्स होते हैं हर करेक्टर के, जिससे आपको पता लगता है कि किस लेटर का इंटरनली सिस्टम की मेमोरी के अंदर क्या स्टोरेज हो रहा है। आप वैसे तो लेटर्स टाइप कर देते हैं ए बी सी डी वगैरह, लेकिन ये इंटरनली सिस्टम की मेमोरी के अंदर, हार्ड के अंदर इस फॉर्मेट में सेव नहीं होते, इसका कोड होता है हर किसी का। जैसे कैपिटल ए का कोड होता है 65। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन्स मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के अंदर 65 स्टोर होता है, ए स्टोर नहीं होता। और 65 भी बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, इसकी बाइनरी कन्वर्जन होती है 10 की फॉर्म में, वो स्टोर होता है। खैर हम बाइनरी की तरफ नहीं जा रहे। बी का कोड होता है 66, सी का होता है 67 एंड सो ऑन, जी का होता है 90, सारे एक सीक्वेंस में होते हैं। इसी तरह जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ए टू जी, इनके कोड्स होते हैं फ्रॉम 97 टू 122। ठीक है, जो डिजिट्स हैं इनके भी कोड्स होते हैं 0, 1, 2, 3, इनके भी कोड्स होते हैं, और ये होते हैं 48 से लेकर 57। इनके अलावा जितने भी कोड्स हैं वो सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, और ये कोड्स होते हैं 0 से लेकर 255 तक ASCII सिस्टम में। जो यूनिकोड सिस्टम है वो ज्यादा है, वो 0 से लेकर 65,000 समथिंग तक जाते हैं। लेकिन आपने ये रेंजेस, कम से कम ये रेंजेस आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी रेंजेस, कि जो कैपिटल ए से कैपिटल जी तक के जो कोड्स हैं कौन कौन से हैं, 65 to 90, और स्मॉल लेटर्स के कोड ये होते हैं 97 to 122, डिजिट से कोड ये होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स की भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक एंटर की भी, जो एंटर की है एंटर, इसका भी कोड होता है, शिफ्ट का भी कोड होता है, लेफ्ट शिफ्ट का अलग कोड होता है, राइट शिफ्ट का अलग कोड होता है, कंट्रोल आर्ट, इनके भी लेफ्ट राइट अलग अलग कोड होते हैं, स्पेस का भी कोड होता है। ठीक है, तो लेकिन उनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमें उसका कोड हासिल करना है, किसका, जो यूजर करेक्टर लिखेगा, यहां पे वो अल्फाबेट नहीं, हम उसको बोलेंगे एंटर एनी करेक्टर। यूजर कोई सा भी करेक्टर लिखेगा, हमने फाइंड करना है कि वो उसका कोड क्या है। तो कोड फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये जो आपने ऊपर बनाया ना इंट वेरिएबल, ये लिख के आगे आप लिख देंगे एक्स, वो जो करेक्टर वेरिएबल जिसमें इनपुट लिया है ना आपने, वो असाइन कर देंगे किसको,
ए कोड को। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि कंपाइलर के बारे में हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई ऑपरेटर की दोनों साइडों पे सेम डेटा टाइप की वेरिएबल होने चाहिए। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके राइट साइड पे चार वेरिएबल है और लेफ्ट साइड पे इंट वेरिएबल है, तो ये तो कंपाइलर यहां पे एरर देना चाहिए ना यहां पे, तो ये कंपाइलर यहां पे एरर नहीं देगा, ये एक्चुअली चार और इंट वेरिएबल्स एक कॉइन की साइड्स की तरह काम करते हैं। कॉइन है ना, कॉइन, कॉइन के एक साइड पे हेड होते ही दूसरी साइड पे टेल होती है, तो यूं समझ लें एक साइड पे चार है दूसरी साइड पे इंट है। कॉइन को फ्लिप करेंगे एक साइड से इंट नजर आएगा दूसरी साइड से चार नजर आएगा आपको, ये दोनों वेरिएबल्स इंटरचेंजेबल है। जब आप किसी करेक्टर वेरिएबल को असाइन करते हैं किसी इंट को तो उसका आस्की कोड उधर शिफ्ट हो जाता है। दोबारा सुने, जब आप किसी करेक्टर वेरिएबल को असाइन करते हैं लाइक दिस यहां पे किसी इंट वेरिएबल को तो उस करेक्टर का आस्की कोड शिफ्ट हो जाता है उसको, और अगर आप किसी इंट वेरिएबल को असाइन करते हैं करेक्टर को तो उसका करेक्टर शिफ्ट हो जाता है उसको। ठीक है, अब हम इसको ना एक दफा प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या वाकई हमारे पास आस्की कोड आया या नहीं आया। मैंने ए लिख के एंटर किया तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, कोड आ गया हमारे पास। अब हम इसके ऊपर अपनी मजीद कार्रवाई कर सकते हैं। जी बेटा, सारा बेटा, अगर आपने किसी करैक्टर का कोड लेना हो आस्की कोड तो सिंपल आप उस करैक्टर वेरिएबल को असाइन कर दें इंट वेरिएबल को, सिंपल, तो उस करैक्टर का कोड आ जाएगा इसके पास। ये एक लाइन मैजिकल लाइन है, मैजिकल लाइन ही कहूंगा मैं, कि उसका कोड ऑटोमेटिकली वो उसको असाइन कर देती है। ठीक है, वैसे इसके लिए मैंने एक असाइनमेंट में एक दिया था प्रोग्राम, एक बच्चे ने सबमिट किया तो उसने कोई फंक्शन लगाया हुआ था उसके अंदर जाके जो मैंने पढ़ाया ही नहीं, ये सिंपल आंसर था उसका ये। तो अब हम इस कोड को आगे यूज करेंगे टू चेक वेदर इट इज एन अल्फाबेट और डिजिट आर स्पेशल सिंबल। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ए कोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड ए कोड इज लेस देन इक्वल टू 57। मुझे बताएं ये रेंज कौन से वाले कैरेक्टर्स की है। तो हम यहां पे मैसेज क्या देंगे, इट्स अ डिजिट, एल्स इफ। अब आए सेकंड रेंज के ऊपर, सेकंड रेंज हम देते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स की, ठीक है, और थर्ड रेंज हम देते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स की, अदरवाइज क्या मैसेज होना चाहिए आप बताएं। शाबाश, ओके, इसको रन करते हैं। पहले हम डिजिट चेक कर लेते हैं, मैंने प्रेस किया 5, ठीक आंसर आ गया। फिर मैंने प्रेस किया कैपिटल क्यू, कैपिटल अल्फाबेट, और फिर रन करते हैं स्मॉल लेटर्स प्रेस कर दिया डी से स्मॉल अल्फाबेट, फिर रन किया स्पेशल सिंबल एंटर कर दिया हमने, इट्स अ स्पेशल सिंबल। ठीक है, समझ आ गई, ओके।
इसी तरह एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, वो मैं आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। वेल इसके सामने तो बहुत सिंपल सा है कि आप एक नंबर इनपुट लें और चेक करें कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है या जीरो है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल में आपको। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स करवा दिए हैं आपको, और इफ स्टेटमेंट भी करवा दिया आपको, else if भी करवा दिया है। मेरे ख्याल में else if के भी मैंने काफी सारे प्रोग्राम करवा दिए हैं आपको, और else का भी करवा दिया, ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ आ गई हो? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ। बेटा आवाज नहीं आई किसी की? मैंने कहा है किसी की आवाज ना आए। ओके, नेस्टेड इफ का टॉपिक है, आप बताएं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज नेस्टेड इफ? एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। लाइक अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना कि वो डिजिट है, कैपिटल अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है या स्पेशल सिंबल है। क्या उसके अंदर हम एक रिक्वायरमेंट हम ऐड कर लेते हैं कि अगर वो अल्फाबेट है तो फिर चेक करो कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वो अल्फाबेट है तो फिर ये भी चेक करो कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अब ये वोवल और कॉन्सोनेंट वाली जो कंडीशन है, ये डिजिट के साथ तो नहीं अप्लाई हो सकती। जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया था, अगर कुछ और लिख दे, वोवल कॉन्सोनेंट वाली कंडीशन डिजिट के साथ तो नहीं अप्लाई हो सकती, स्पेशल सिंबल के साथ नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट के साथ अप्लाई हो सकती है। तो अब हम वो वाला प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जी, ये जो तो मैंने दो कंडीशंस लगाई है ना, ये वाली, ये कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए लगाई है और ये स्मॉल, इन दोनों को मैं करने लगा हूं इकट्ठा, ठीक है? और कैसे इकट्ठा करूंगा, और ये वाली कंडीशन उठा के इधर लिख दी। अब ये जो हमारी एक कॉम्प्रीहेंसिव कंडीशन है, ये कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए भी काम करेगी, स्मॉल के लिए भी काम करेगी। दरमियान मैंने क्या लगा दिया, और इसको अलहदा, ये जो कैपिटल वाली में लगाई थी इसको अलहदा ब्रैकेट्स में रख देता हूं, और स्मॉल वाली जो है इसको अलहदा ब्रैकेट्स में रख देता हूं, ठीक है? अब ये इसको हम करते हैं खत्म, इस सबकी बिहाफ पे हमारा ये पूरा एक ब्लॉक बनेगा। अब ये जो पूरा ब्लॉक है, ये कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए भी काम करेगा, स्मॉल के लिए भी काम करेगा। समझ आ गई बात? ये अब हम चलते हैं वो जो वॉवल्स वाली कंडीशन लगाई थी, पांचवा प्रोग्राम था। ये हमने जो वॉवल्स वाली लगाई थी वो सिंपली यहां पे आके हम करने लगे हैं पेस्ट, कॉपी नहीं हुआ। जी, अब ये देखें आपके सामने नेस्टेड इफ आ चुकी है। ये जो कंप्लीट ब्लॉक है इफ एल्स का, ये किसी और इफ के अंदर है। तो ये जो बाहर वाला है ये नेस्ट आउटर इफ है, बाहर वाला क्या है, और ये जो हमने अंदर लगाया ये कौन सा है,
ये हमने सिर्फ इसी के अंदर लगाया है ना, जो जहां पे अल्फाबेट्स की बात हो रही है, हम इसको डिजिट्स के अंदर लगा सकते हैं? ये जो कंडीशन है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट वाली, इसको डिजिट वाली कंडीशन में लगा सकते हैं? नो, स्पेशल सिंबल में भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको हम सिर्फ इधर लगा सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं, अच्छा यहां पर तो कोई मसला, यहां तक इसको हम रन करके देखते हैं। हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल आर, सही आंसर आया। दोबारा रन किया, यू। ठीक है, अब अगली रिक्वायरमेंट ये है कि ये भी बताया कैपिटल या स्मॉल है, कैपिटल लेटर है या स्मॉल है। अभी तो फिलहाल ये बता रहे हैं वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, वो कैसे करेंगे? यही पे बताया आपको। ये लें जी, एक इफ के अंदर एक और इफ लगने है। ये हमने कैपिटल के लिए ये वाली कंडीशन लगाई थी ना, ये वाली सिंपल आप यहां पे लिख दें। हाँ जी, कोई जहन घूम तो नहीं रहा? एक इफ के अंदर एक और इफ आ चुका है। ये आपका मेन आउटर इफ था, उसके अंदर ये आपका था जिसमें आप सिर्फ अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे। ये जो पूरा ब्लॉक है ये सिर्फ वॉवल्स की बात करता है, ये पूरा ब्लॉक कॉन्सोनेंट्स की बात करता है। और इस वॉवल्स के अंदर फर्दर आपने एक और कंडीशन लगा दी। क्या लगाया? कि अगर कोड जो है 65 से 90 के रेंज में तो दैट इज अ कैपिटल, अदरवाइज स्मॉल। ये इट इज का वर्ड हम यहां से खत्म कर देते हैं। और इसी तरह ये जो सेम कंडीशंस हैं ये हम कॉन्सोनेंट के साथ भी लगाएंगे। ठीक है, और वो इट्स अ कॉन्सोनेंट के साथ ये वो हमने हटाया नहीं था। अब दोबारा रन करते हैं। आर क्या लिखा आ गया? दोबारा रन करते हैं, यू स्मॉल वॉवल। ये देखें, जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना चाह रहे हैं, प्रिसाइज आउटपुट देना चाह रहे हैं, उतनी ही ज्यादा कंडीशंस लगती जा रही। इसके अंदर फर्दर भी जिससे कोई लिमिट नहीं है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी, और ये रियल जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें से कोई लिमिट नहीं होती। आपका प्रोग्राम इधर से स्टार्ट होता है, आपकी लेफ्ट साइड ये बनेगी ना, मेरी लेफ्ट साइड ये बन रही, मैं आपके लेफ्ट साइड के हवाले से बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, ऐसा 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 राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये लेफ्ट वाली, फिर थोड़ा सा और आगे हो गया, फिर मजीद आगे हो गया। इंडेंट कहते हैं इसको, ये जो स्पेस है ना लेफ्ट साइड से, इसे क्या कहते हैं? इंडेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता राइट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि आप कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लगाते चले जाते हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर की समझ आई है? किस किस को समझ आई? हाथ खड़ा करें। काफी सारे बच्चों को समझ आ गई है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इफ का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने इफ भी पढ़ लिया है, इफ एल्स भी पढ़ लिया है, इफ एल्स इफ भी पढ़ लिया है, नेस्टेड भी पढ़ लिया है। ठीक है, कल हमारा लास्ट दो टॉपिक्स रह गए हैं इफ मॉड्यूल के, तो हमारा कंडीशन वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा कल इंशाल्लाह।